एक्सरसाइज नंबर एक, लैट पुल डाउन। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को लैट पुल डाउन मशीन पर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। यह लैट्स मसल्स को चौड़ा करने की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। बैक तेजी से चौड़ी बनती है। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, रोप आर्म पुल डाउन। दोस्तों, इसमें रोप को पकड़कर मशीन से थोड़ी दूर खड़े होकर एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करें। यह बिंग्स मसल्स के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। बैक वी टेपर बनती है। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, वन आर्म डम्बल रो। इस एक्सरसाइज को आपने एक हाथ में डम्बल लेकर कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। यह एक्सरसाइज लैट्स मसल्स को काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बनाती है, जिससे हमारी बैक चौड़ी बनती है। आपको इसके 3 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के प्रत्येक हाथ से लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, बारवेल बेंट ओवर रो। दोस्तों, यह एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, क्योंकि यह अपर और मिडिल बैक की मसल्स को ट्रेन करती है। इस एक्सरसाइज को बारवेल लेकर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। आप इसके 3 से 4 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, सीटेड केबल रो। इस एक्सरसाइज को केबल रो मशीन पर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करें। हैंडल को पीछे की तरफ खींचें तो अपनी बैक को स्क्वीज करें, और जब हैंडल को आगे लेकर आएं तो अपनी लैट्स मसल्स को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें। यह बैक के लिए जबरदस्त एक्सरसाइज है। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, पुलअप। दोस्तों, यह बॉडी वेट एक्सरसाइज है। इससे पूरी बैक ट्रेन होती है, बैक शेप में आती है और आपके लैट्स मसल्स भी चौड़े बनते हैं। इसे आप बैक वर्कआउट वाले दिन एज आ वार्म अप भी कर सकते हैं। आप इसके 3 से 4 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।